खुशखबरी, सोलर पैनल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मोहतरम सामीन, आज की इस वीडियो में सोलर पैनल की ताज़ा तरीन कीमतें बयान की जाएंगी और इसके अलावा आप आजकल सोशल मीडिया के ऊपर AMI मीटर के हवाले से चंद खबरें गर्दिश कर रही हैं और हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो आम और सादा मीटर हैं उनको AMI मीटर से तब्दील कर दिया जाएगा। और AMI मीटर के फ़वाद और नुकसान क्या हैं और इसके अलावा 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का अगर आप घर में लगाना चाहते हैं कुल ख़र्चा आपको कितना जाकर पड़ेगा, तो पूरी तफसील से एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है। और मोहतरम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। अक्सर देखा गया है कि मोहतरम सामीन वीडियो देखते तो हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। मोहतरम सामीन, देखें आजकल बिजली के भारी भारी महंगे बिल आ रहे हैं और इसके अलावा बिजली की कीमतों में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा भी होता जा रहा है। अगर आप घर में बिजली के बिलों से तंग आ चुके हैं तो घर में सोलर सिस्टम लगाएं और जो सस्ता तरीन सोलर सिस्टम होता है वो आपको मिलेगा, जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का आपका कुल खर्चा देखें 2,50,000 के और 3 लाख के दरमियान हो सकता है। उसके अंदर आपको जो 6 सोलर पैनल आ जाते हैं, उसके अंदर सोलर स्टैंड होगा, तारें होंगी। और अगर आप देखें ज़्यादा महंगा सोलर इन्वर्टर नहीं लेना चाहते तो आप लोकल इन्वर्टर के साथ भी जो उसकी कीमत 35 से 40 हज़ार होती है वो भी लगा कर जो आपको महाना 360 बिजली के यूनिट पैदा करके दे। मोहतरम सामीन, 360 महाना बिजली के बिल का बिल अगर आप 65 रुपये फी यूनिट के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो आपका बिजली का बिल 30 से 40 हज़ार के दरमियान आ जाता है। तो लिहाजा देखें अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो घर के अंदर छोटा सा सोलर सिस्टम जो है 3 किलोवाट का आसानी के साथ लगाकर ये बिजली के भारी भारी महंगे बिलों से भी बच सकते हैं। इसके अलावा देखें AMI मीटर क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले देखें आजकल मुख्तलिफ जो कंपनियों के ताज़ा तरीन रेट्स हैं जिनमें कितनी कमी हुई है। सबसे पहले देखते हैं लॉन्जी सिंगल ग्लास है, आपको मिलेगा 34 रुपये पर वाट के हिसाब से। लॉन्जी बाईफिशियल डबल ग्लास सोलर पैनल आपको मिलेगा 35 रुपये पर वाट के हिसाब से। लॉन्जी बाईफिशियल डबल ग्लास हाइमो 7 सोलर पैनल की प्राइस आज 36 रुपये पर वाट रही। जे सिंगल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस आज 34 रुपये पर वाट रही। जे बाईफिशियल डबल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस 35 रुपये पर वाट। जे एन टाइप सोलर पैनल प्राइस आपको 37 रुपये पर वाट मिलेगी। जिनको सिंगल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस आपको 34 रुपये पर वाट मिलेगी। जिनको बाईफिशियल डबल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस आज आपको 35 रुपये पर वाट मिलेगी। जिनको एन टाइप सोलर पैनल की प्राइस 36 रुपये पर वाट। ट्रीना सिंगल ग्लास सोलर पैनल की प्राइस 34 रुपये पर वाट। ट्रीना एन टाइप सोलर पैनल की प्राइस मिलेगी आपको 37 रुपये पर वाट। कैनेडियन टॉपकॉन सोलर पैनल की प्राइस 37 रुपये पर वाट। JM सोलर पैनल डॉक्यूमेंटेड में मिलेगा आपको 35 रुपये पर वाट के हिसाब से। एस्ट्रो एनर्जी सोलर पैनल आपको मिलेगा 35 रुपये पर वाट। डीना सोलर पैनल 34 रुपये पर वाट। फोनो सोलर पैनल की डॉक्यूमेंटेड में मिलेंगे 34 रुपये पर वाट के हिसाब से। लॉन्जी हाइमो 6 सोलर पैनल बाईफिशियल में यानी डबल ग्लास में मिलेगा आपको 36 रुपये पर वाट। मोहतरम सामीन, देखें अगर आप घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप जितने भी सोलर पैनल की कंपनियाँ हैं, जितनी भी सबसे अच्छी कंपनियाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं जिनके रेट, आप एन टाइप सोलर पैनल और डॉक्यूमेंटेड में लेना है। डॉक्यूमेंटेड वो होती हैं जब आप किसी दुकानदार से या मार्केट से सोलर पैनल खरीदते हैं तो वो आपको उसकी रसीद देता है, सोलर पैनल की वारंटी देता है, वो आपने लाजमी लेना है। अगर वो आपको वारंटी नहीं दे रहा तो समझ लें वो स्मगलिंग शुदा सोलर पैनल होते हैं, उनकी कोई वारंटी नहीं होती। तो लिहाजा जब भी लें तो आप डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल ही खरीदें। इसके अलावा देखें मौसम सामीन, आजकल आप देख रहे होंगे कि AMI मीटर कौन से होते हैं। दरअसल इसकी जो है पहले से कई महीनों से इसके बारे में जो है तहकीक की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो आम मीटर हैं इनकी जगह AMI मीटर लगाएं। तो इसका पहला जो है प्रोजेक्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर शुरू किया गया है, तकरीबन 14,000 जो है ये लगाए जा रहे हैं। ये AMI मीटर का एक फ़ायदा ये होता है कि इससे देखें जो मीटर रीडर होता है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। और इसके अलावा देखें उसके अंदर अगर आप कोई बिजली चोरी जो है वो भी उसके अंदर पकड़ी जा सकती है। और इसमें देखें रीडिंग जो होगी, अगर आपके 150 यूनिट चले हैं तो 150 ही वो शो करेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है आजकल मुख्तलिफ देखें आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर के जो कुछ लाइनमैनों ने जो जिनके यूनिट 199 बन रहे थे उन्होंने उसको 201 बनाकर उसके कीमतों में यानी 5,000 इजाफा कर दिया था। उसके बारे में भी तहकीकात हो रही हैं। ये चीज़ें जो हैं अब AMI मीटर में ख़त्म हो जाएंगे। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके ऊपर जिस तरह आपने ग्रीन मीटर के लिहाज से नेट मीटरिंग होती है अलहदा मीटर लगाना पड़ता था, लेकिन अब जो है जो AMI मीटर होगा वो आपका आम एक सिंपल मीटर भी होगा और उसके साथ अगर आप सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं और उसके अंदर नेट मीटरिंग करना चाहते हैं तो AMI मीटर के अंदर आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखें जो लाइन मैन होता है उसको आने की भी जरूरत नहीं होती,
वो कंप्यूटराइज होता है, ऑनलाइन होता है, वो रोजाना की बुनियाद पर रीडिंग जो है चेक कर भी सकता है। इसके अलावा देखें, आज जो सिंगल ग्लास यानी जो प्लेट होती है 150 वाट वाली, उसकी क्या प्राइस रही है? जो इसमें सेल जर्मनी के सोलर पैनल है आपको मिलेंगे इसमें 8,500 रुपये में। सेल जर्मनी 180 वाट वाली प्लेट आपको मिलेगी 9,500 रुपये में। सेल जर्मनी 200 वाट वाली प्लेट आपको मिलेगी 10,500 रुपये में। सेल जर्मनी 230 वाट वाली प्लेट आपको मिलेगी 11,050 में। ए ग्रेड सोलर पैनल की बात करें तो उसमें सबसे पहले J540 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड में आपको मिलेगा। आज इसका रेट बहुत कम हो चुका है, 34 पेपर वाट के हिसाब से 18,360 में। J540 वाट डबल ग्लास और डब्बा ऑफिशियल होगा ए ग्रेड में 35 पेपर वाट के हिसाब से 18,900 रुपये में। जेड एंड शाइन 545 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड मिलेगा आपको 34 पेपर वाट के हिसाब से 18,530 में। मैसन 540 वाट ए ग्रेड सोलर पैनल की प्राइस आज 34 पेपर वाट रही 18,900 रुपये में, फी प्लेट मिलेगी। लॉन्जी 555 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड 34 पेपर वाट के हिसाब से 18,870 रुपये में। डोर सोलर पैनल के ए ग्रेड 550 वाट पैनल मिलेगा आपको 33 पेपर वाट के हिसाब से 18,150 में। जिंको 555 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड में 34 पेपर वाट के हिसाब से 18,870 में। लॉन्जी हाइमो 6 जो आपको मिलेगा 570 वाट सिंगल ग्लास में 36 पेपर वाट के हिसाब से 20,520 में। इसके अलावा जिंको एंटाई 575 वाट ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड में मिलेगा आपको 36 पेपर वाट के हिसाब से 20,700 रुपये में। लॉन्जी हाइमो 7 580 वाट सिंगल ग्लास एन टाइप 36 पेपर वाट के हिसाब से 20,880 रुपये में। मोहतरम सामीन, अक्सर देखें आप लोग कमेंट्स के अंदर जो है राय का इजहार करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूछते रहते हैं जो सबसे कॉमन सवाल कि ये जो रेट्स हैं ये कहाँ के होते हैं। ये मोहतरम सामीन, ये पूरे पाकिस्तान के रेट होते हैं, जो असल रेट होते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं आपको पता चलता है कि ये जो रेट्स हैं कुछ और होते हैं, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं कुछ माफिया होते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं और सोलर पैनल के रेट बढ़ा चुके होते हैं। तो आप हमेशा जब भी सोलर पैनल खरीदने जाएं तो बड़ी मार्केट का रुख लाजमी करना है, वहां से आपको अच्छे और सस्ते सोलर पैनल जो है आराम से मिल सकते हैं। इसके अलावा देखें, अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिहाज से, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, पिशावर, क्वेटा, मुल्तान है, तो वहाँ पर सोलर पैनल के रेट मुख्तलिफ होते हैं। इसकी वजह क्या होता है कि क्योंकि जो सोलर पैनल बाहर से चाइना से जब आते हैं वो कराची जो है पोर्ट पर बंदरगाह पर उतरते हैं, कंटेनर की सूरत में आ रहे होते हैं, तो लिहाजा वहाँ पर रेट जो होता है बहुत ही कम है। तो कराची की बात करें तो वहाँ पर आपको मिलेंगे 34 से तकरीबन 37 पेपर वाट के हिसाब से मुख्तलिफ कंपनी के रेट होते हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर आपको 35 पेपर वाट से 38 पेपर वाट मिलेगा। इस्लामाबाद में और ज़्यादा खर्चा हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का तो वहाँ पर आपको 36 से 39 पेपर वाट मिलेगा। क्वेटा के अंदर भी 36 से 38 पेपर वाट मिलेगा। इसी तरह पिशावर के अंदर भी जो रेट आपको 36 से 39 पेपर वाट मिलेगा। मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर आपको जो सोलर पैनल के आज के रेट आपको मिलेंगे तकरीबन 36 से 39 पेपर वाट के हिसाब से मिलेंगे। तो मोहतरम सामीन, ये आज पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ रेट्स हैं। इसके अलावा मैंने आपको AMI मीटर के बारे में बता दिया। अगर आप सोलर सिस्टम 3 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं तो ये आपका कुल खर्चा तकरीबन 2.75 लाख 3 लाख के करीब जाकर पड़ेगा। अगर आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहेंगे तो आपका खर्चा 5 लाख का हो जाएगा। अगर आप 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपका खर्चा 6 लाख का होगा। अगर आप 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहेंगे तो आपका खर्चा 7 लाख होगा। इसी तरह देखें, अगर आप 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो आपका खर्चा 8 लाख तक हो जाएगा। और 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंदर देखें, आप आराम के साथ सारा दिन फ्री में एसी भी चला सकते हैं और इसके अलावा फ्रिज और वाटर पंप भी जो है इसके साथ चला सकते हैं। और 360 यूनिट आपको पर मंथ के लिहाज से ये बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी कर लें। अगर कोई राय का इजहार नहीं करते हैं तो कमेंट्स में आमीन लिख दें कि अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।